गुड आफ्टरनून। हम लोग जो है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया कि क्या होता है MRTS। इस क्लास में हम लोग जो है इसी को सारणी द्वारा और रेखाचित्र के द्वारा जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सारणी के द्वारा कैसे हम तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कल्पित सारणी बना लेंगे। एक कल्पित सारणी होगी हमारी, जिसमें आपका शुरू में क्या होगा, संयोग होगा। संयोग, क्योंकि हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं समुत्पाद वक्र से संबंधित, उसी के द्वारा जो इसकी व्याख्या होती है। चित्र के द्वारा जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो समुत्पाद वक्र की के द्वारा जो है करेंगे, और जब हम सारणी का प्रयोग करेंगे, अनुसूची का प्रयोग करेंगे, इसकी व्याख्या जो है हम समोत्पाद अनुसूची के द्वारा करेंगे, आइसो प्रोडक्ट शिड्यूल्ड के द्वारा, जो कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपका जो समोत्पाद अनुसूची होता है उसमें क्या होता है, इस तरीके से आप देखें कि एक में क्या होता है, संयोग होता है, दूसरे में आपका कोई भी एक साधन ले लेंगे, एक्स साधन या साधन एक्स जो भी लेंगे, मान लीजिए एक्स साधन है, एक्स साधन में आप इसका नामकरण भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम श्रम ले रहे हैं, यहाँ लिख दीजिए हम श्रम ले रहे हैं। वाई साधन ले लेंगे, मान लीजिए वाई साधन में हम लोग पूंजी ले रहे हैं, इसके अलावा जो है हम यहाँ पर कुल उत्पादन ले सकते हैं, कुल उत्पादन इकाई में, और हो गया ये आपका बन गया आपका तकनीकी सॉरी समोत्पादन सूची। अब इसमें जो आप पिछले क्लास में याद करिए, यहाँ पर प्रतिस्थापन की दर लिख रहे थे, जो प्रतिस्थापन की दर लिख रहे थे वो साधन प्रतिस्थापन की दर है, अर्थात तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है ना। उसी चीज़ को यहाँ पर हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि होता क्या है। मैंने आपसे बताया था ना कि इस पर जो हम चर्चा अगले क्लास में करेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर आप मान लीजिए एक्स की वाई के लिए है ना, एक्स की वाई के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ लिख लेंगे एक्स की वाई के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर पूरा आप लिख सकते हैं, या साठ में MRTS है ना, क्योंकि हमने 60 में लिख दिया, आप पूरा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसको चाहें तो MRTS एक्स वाई ऐसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए हमने दो बार MRTS लिखा है, इसका मतलब ये यहाँ पर जो हम हिंदी शब्द लिखते हैं और उसके जगह हमने इसका प्रयोग किया, और इस पूरे का मतलब MRTS एक्स वाई। यदि आप ये पूरा नहीं लिखते, केवल इतना ही लिख देते MRTS एक्स वाई, इसका मतलब ही हो जाता कि एक्स की वाई के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर ये है ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ संयोग ले लेते हैं, मान लीजिए कुल हम चार संयोग पांच संयोग कुछ भी हम ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि हम कुल जो है चार संयोग ले रहे हैं, तो संयोगों का नाम आप लिख सकते हैं ABCD करके, ठीक है, इस तरीके से ABCD आप चार संयोग ले लें। यहाँ पर आप श्रम की मात्रा में 1, 2, 3, 4 एक में हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो दूसरे में क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा है ना, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो है ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उत्पादन परिवर्तन ना हो, ठीक है। यहाँ पर आप घटाना है हमको, कम करना है, तो अधिक अंश ले रहे हैं 15 फिर 12 फिर 10 फिर 9। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये कल्पित आंकड़े हैं, आप इन अंकों को बदल के भी लिख सकते हैं,
या और भी ले सकते हैं, यहाँ चार संयोग हमने लिया, आप पाँच छः संयोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, है ना। हम क्या कहना चाहते हैं, है ना, हम यहाँ पर MRTS का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना चाहते हैं, तो उसी को यहाँ पर क्लियर करना है, और कुछ मतलब नहीं है हमसे, ठीक है। यहाँ पर उत्पादन, मान लीजिए यहाँ पर 100 इकाई का उत्पादन किया जाता है, तो आप समझ गए होंगे जब यहाँ पर 100 होगा तो सब जगह क्या होगा, 100 ही होगा, क्योंकि सम उत्पादन सूची में क्या होता है, प्रत्येक संयोग पर क्या होता है, उत्पादन, साधनों के प्रत्येक संयोग के लिए उत्पादन क्या होता है, कुल, ये समान होता है, बराबर होता है, ठीक है, इसीलिए समोत्पाद शब्द का प्रयोग किया जा रहा है बार बार। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पर इस संयोग के लिए कहा जाए कि ए संयोग पर MRTS क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, अर्थात जीरो होगा, कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये अकेला है, है ना, यहाँ पर आप कोई परिवर्तन तो कर नहीं रहे, एक से दूसरे स्थान तक जा नहीं रहे, आप मूल अवस्था में हैं, ए संयोग पर हैं, है ना, यहाँ पर परिवर्तन तो हो नहीं रहा, जबकि MRTS जो निकालते हैं वो परिवर्तन से संबंधित होता है ना, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, वाई में कितना परिवर्तन हुआ, एक्स में कितना परिवर्तन हुआ, तब जाके हम क्या निकालते हैं, MRTS निकालते हैं, तो ए संयोग पर तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पर कोई भी क्या होगा, MRTS नहीं आएगा, है ना, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, है ना। अब जो है ये हम बात करते हैं कि यहाँ पर बी संयोग पर देखा जाए, अर्थात यदि उत्पादक, हम यहाँ पर उपभोक्ता की बात नहीं करेंगे, उत्पादक की बात करेंगे या फर्म की बात करेंगे, यदि उत्पादक या फर्म जो है ए संयोग को छोड़कर बी संयोग पर आना चाहता है, क्योंकि हर संयोग पर क्या है, समान उत्पादन है, तो किसी भी जो है संयोग का चुनाव कर सकता है, लेकिन यदि वो ए संयोग से बी संयोग पर आना चाहता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, यदि बी संयोग पर वो आता है तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि यहाँ पर ये एक अतिरिक्त इकाई जो है श्रम का प्रयोग करना चाहता है, यहाँ पर जो है एक अतिरिक्त इकाई, यानी लेबर जो है एक प्लस वन लेबर की जो है उसको जरूरत है, यानी वो लेबर की एक अतिरिक्त इकाई चाहता है ना, वो लेबर को बढ़ाना चाहता है एक अतिरिक्त इकाई, तो इसके लिए जो है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पूंजी की कुछ मात्रा को, कुछ इकाइयों को घटाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना घटाया है, यहाँ पर देखिए इसको एक बढ़ाने के लिए इसने इसको तीन को घटाया है, तीन मात्रा, देखिए 15 में से 12 गए, कितना है, तीन, है ना, तो तीन जो है कैपिटल को क्या किया इसने, कम कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसको माइनस कर दिया इसने, है ना, इसको प्लस करने के लिए इसको क्या किया इसने, माइनस किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक जो है आपका लेबर ये तीन कैपिटल के क्या है, बराबर है, इसीलिए तो आपका एक कैपिटल, एक लेबर आप अतिरिक्त प्राप्त करने के लिए, उसको लगाने के लिए आपने तीन कैपिटल को हटा दिया, फिर भी उत्पादन में परिवर्तन नहीं हुआ, बैलेंस नहीं बिगड़ा, जैसे तराजू है, बैलेंस है, है ना, एक तरफ बाट रखा है, एक तरफ एक चौक रखा है ना, बाट रखा है, चौक रखा है, ठीक है। यदि इधर से हम क्या करते हैं, कुछ चौक को निकालते हैं, मान लीजिए एक किलोग्राम है या पाँच किलोग्राम, मान लीजिए है पाँच के जी जो है आपका बाट एक तरफ है रखा, एक तरफ जो है पाँच किलो आपका चौक है ना, ये बैलेंस बराबर है। अब हम कहें कि इसमें से ऐसा परिवर्तन करिए, पाँच किलो के बाट में जरूर नहीं पाँच ही किलो का हो, उसमें दो दो किलो का और एक किलो का करके बाट रखा है, लेकिन कुल पाँच किलो है। अब इसमें जो है यदि हम एक किलो बाट जो है हटा दें तो क्या हो जाएगा, बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ये वाला पलड़ा जो है आपका नीचे हो जाएगा। यदि इसमें से कुछ चाक को हटा दें या चाक को बाहर कर दें तब पर भी क्या होगा, ये पलड़ा भारी हो जाएगा आपका, है ना, ऐसी तरफ से इस तरह देखा जाए तो इधर का भी बैलेंस क्या हो जाएगा, बैलेंस फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ऐसा काम करना है जिससे क्या हो कि आपका ये बैलेंस भी न बिगड़े और आपका जो है परिवर्तन भी हो जाए, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप, ऐसी स्थिति में जो है आपको बैलेंस न बिगड़े उसके लिए आपको क्या करेंगे कि यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे, यदि यहाँ पर कुछ चाक आप जो है यहाँ पर कोई वस्तु यहाँ पर रख रहे हैं, है ना, यहाँ पर रख रहे हैं, तो उसी के बराबर जो है आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, कोई बात आपको रखना पड़ेगा जो कि उसके बराबर ही हो, तभी जो है क्या होगा, बैलेंस में परिवर्तन नहीं हो रहे, बैलेंस क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा।
यानी उसके बराबर जो आप प्रतिस्थापित कर रहे हैं वो क्या हो, उसके बराबर हो। वही चीज यहाँ पर भी है कि जो हम लेबर जो है प्रतिस्थापित कर रहे हैं किसके स्थान पर, कैपिटल के स्थान पर, इसका मतलब जो इसकी कार्य क्षमता है इसकी कार्य क्षमता के बराबर है, इसकी जो सीमांत उत्पादकता है इसकी सीमांत उत्पादकता के क्या है, बराबर है, तभी तो इसके स्थान पर इसको प्रतिस्थापित किया जा रहा है। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर सूत्र के द्वारा भी आप निकाल सकते हैं, है ना, सूत्र के द्वारा आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई का मतलब होता है कि वाई में परिवर्तन, वाई में परिवर्तन कितना है, वाई में परिवर्तन आपका है, यहाँ पर देखिए वाई में परिवर्तन मतलब होता है 15 माइनस 12, कितना 15 माइनस 12, जब ये 15 माइनस 12 होगा, पहले 15 था 12, तो 15 माइनस 12 कितना हो गया, 3 हो गया, वाई में परिवर्तन कितना हो गया, 3 हो गया, और इसमें परिवर्तन कितना हुआ, पहले एक था अब दो, तो एक में से दो गए माइनस एक हो जाएगा, एक में से दो घटेगा ना उल्टा घटाना पड़ेगा तो माइनस एक हो जाएगा ना, तो माइनस एक हो जाएगा, इसीलिए तो इसका मान सदैव क्या आता है, माइनस में आता है, इसीलिए इसका मान क्या होता है, सदैव माइनस में आता है। यहाँ पर हम माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना, अनुपात निकालते समय, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अनुपात में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3:1, ठीक है, लेकिन माइनस में क्यों होता है, यहाँ माइनस चिन्ह क्यों लगता है फार्मूले में, इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपका एक बढ़ रहा है तो एक क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3:1 हो जा रहा है। इसी तरीके से हम यदि बी से सी पर उत्पादक जाना चाहता है तो कितना परिवर्तन हुआ, यहाँ पर एक का परिवर्तन हुआ, यहाँ पर कितने का हुआ, यहाँ पर 12 से 10 दो का परिवर्तन हुआ, है ना, तो 2/1, 2/1 का मतलब क्या हुआ, 2/1 का मतलब हो गया 2:1, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2:1। या सी से डी पर जाना चाहता है, देखिए तो ये आपका कितना परिवर्तन हुआ, एक, और यहाँ पर परिवर्तन कितना हुआ, 10 में 9 गए, एक, एक एक का परिवर्तन, अर्थात 1/1, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1। ये जो रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है ये रेशियो क्या है, यही तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है एक्स की वाई के लिए, यही बताता है क्या कि 3 पूंजी का जो है हम क्या करेंगे, इसको हम हटाकर 1 जो है श्रम का प्रयोग करेंगे, 3 जो है पूंजी को हटाकर क्या करेंगे, 1 श्रम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 1 जो लेबर है वो 3 पूंजी को क्या कर दे रहा है, प्रतिस्थापित कर दे रहा है। 2:1 का मतलब ये है कि 2 पूंजी के स्थान पर 1 लेबर का प्रयोग किया जा रहा है। 1:1 का अनुपात का या इसका मतलब ये हुआ कि 1 आपका जो है कैपिटल जो है 1 लेबर के स्थान पर 1 कैपिटल का जो है क्या हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है। तो इस तरीके से ये अनुपात जो है ये MRTS को बताता है। जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था वही चीज़ मैं समझा रहा था कि 3:1 का रेशियो मैं यहाँ समझा रहा था कि एक जो है लेबर की अतिरिक्त इकाई यदि प्राप्त करना चाहता है इस संयोग पर तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसकी 3 इकाई को जो है छोड़ना पड़ेगा और उस 3 इकाई के स्थान पर जो है 1 लेबर का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि 1 लेबर जो है ये 3 आपके पूंजी के बराबर है, 1 श्रमिक जो है 3 मशीन के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में 3 मशीन के स्थान पर 1 लेबर का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ आ रही है, तो वही चीज यहाँ पर है, इसी को कहते हैं हम सीमांत प्रतिस्थापन दर, तकनीकी प्रतिस्थापन की MRTS, इसी को हम बोलते हैं। बात क्लियर हो गया, आइए अब इसी को हम जो है रेखा चित्र के द्वारा भी हम समझने का प्रयास करते हैं। और रेखा चित्र में जिस हम चित्र का प्रयोग करेंगे, जिस वक्र का प्रयोग करेंगे वो कौन सा वक्र होगा, वो आपका IP कर्व होगा, अर्थात आइसो प्रोडक्ट कर्व या आइसो क्वांट कर्व, जिसको हम समुत्पाद वक्र कहते हैं। समुत्पाद वक्र के द्वारा जो है वहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि MRTS कैसे निकाला जाता है या क्या होता है। ठीक है, वहाँ पर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, आइए अब हम जो है इसको रेखाचित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें इस तरीके से आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेंगे, ये एक्स अक्ष हो गया, ये ओ मूल बिंदु हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। यहाँ पर आपका मान लीजिए श्रम है, एक्स साधन श्रम हो गया, वाई साधन पूंजी, है ना, एक्स साधन वाई साधन का लिख सकते हैं या श्रम पूंजी का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर केवल श्रम लिखिए, श्रम की इकाई पूंजी की इकाई या श्रम की मात्रा पूंजी की मात्रा, ठीक है,
किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक आइसो प्रोडक्ट कर्व बना लेंगे, आइसो प्रोडक्ट कर्व ऐसे होता है, ढाल नीचे की तरफ गिरता हुआ, ये आपका आईपी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो उत्पादन कर रहा है कितने के बराबर, 100 के बराबर। आप यहाँ पे लिखिए, चाहे यहाँ पे ब्रैकेट में लगा के लिख सकते हैं, ये 100 ये दिखा रहा है कि 100 इकाई के बराबर। ये कर्व जो है, इस कर्व पर जो है समोत्पाद वक्र पर समान मात्रा में जो उत्पादन हो रहा है उसकी मात्रा कितनी है, 100 इकाई के बराबर है। आप इसका मतलब है, आप इस पे किसी बिंदु पर आप रहेंगे, सब पे जो है उत्पादन 100 इकाई के बराबर ही होगा, इसीलिए समोत्पाद वक्र कहलाता है। यहाँ पर हम चार बिंदु लेंगे, और चार बिंदु लेने के लिए जो है आप सबसे अच्छा तरीका क्या होता है इसका, यहाँ पर एक दो यहाँ पर आपका इस तरीके से, ऐसा क्यों है मैं आपको समझा दे रहा हूँ अभी जी। ये जो है मान लीजिए, यहाँ पर ए संयोग है, बी संयोग है, सी संयोग है, डी संयोग है, ए बी सी डी। हमने आप कहीं भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से निशान लगा के तब इसको बनाया है, ये बताऊँगा उसका कारण क्या है समझाने के लिए, ठीक है। मैं बाद में भी आपको बताऊँगा क्या रीज़न था, बाकी आप कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी चार बिंदु आप ले सकते हैं, ठीक है। चार से अधिक ले सकते हैं, बहुत सारे अनंत बिंदु होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ से आप देखें तो इधर मिला दीजिए इसको इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए, इसको आप चाहें तो ये लेवर है, इसको आप L1 L2 करके लिख सकते हैं, L1 L2 L3 L4, ये कैपिटल है, तो इसको आप K1 K2 करके लिख सकते हैं, K2 K3 K1 K2 K3 K4, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा तो बातें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर आप देखिए, इसको आप डार्क कर लीजिए, इसको आप डार्क कर लीजिए। हम समोत्पाद वक्र के ढाल के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं, ये ढाल बताता है, एमआरटीएस ये इसके ढाल को बताता है, इसका ढाल क्या है, ऋणात्मक है, है ना। और ये ढाल क्या बताता है, आप देखिए, ये बताता है कि ये उत्पादक जो है इतनी अतिरिक्त श्रम की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर प्राप्त करने के लिए नहीं, प्रयोग करने के लिए, ये प्रयोग करता है। मान लीजिए ये बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु और होगा Q, यहाँ पर एक बिंदु और होगा R। अभी मैं समझा रहा हूँ आप, ये जो है आपको दिख रहा है AP, और यहाँ दिख रहा है आपको PB। PB क्या है, श्रम की इकाई, AP क्या है, ये पूंजी की इकाई है। उत्पादक जो है श्रम का पीबी, श्रम की पीबी अतिरिक्त इकाई, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ए पर तो श्रम कितनी है, ओएल के बराबर है, यानी के टू या के टू पी के बराबर है। अब वो के टू पी से के टू बी करना चाहता है, मतलब वृद्धि कितना करना चाहता है, पीबी, पीबी अतिरिक्त इकाई चाहता है। तो पीबी अतिरिक्त इकाई जो है श्रम का प्रयोग करना चाहता है, तो उसके लिए जो है वो क्या करता है कि पूंजी का जो है, पहले पूंजी इतना कर रहा था, अब यहां पर इसको यहां पर पाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इतने जो है पूंजी का क्या करना पड़ेगा, वो इसको क्या करेगा, छोड़ देगा। क्यों छोड़ेगा, इसके बदले में ही इसका प्रयोग करेगा, यानी ये इतना जो है जो पीबी का श्रम का प्रयोग करेगा वो इसके स्थान पर करेगा, पी ए पूंजी के स्थान पर उत्पादक पीबी श्रम का प्रयोग करता है। बात समझ आ रही है, यही क्या है, यही आपका तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। ये श्रम की पूंजी के लिए, श्रम की पूंजी के लिए जो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, यही है कि वो श्रम की पीबी मात्रा का प्रयोग करने के लिए वो क्या करता है, एपी मात्रा का क्या करता है, इसको छोड़ देता है, इसको कम कर देता है, इतना कम कर देता है। इसका मतलब क्या है कि इतना जो है
श्रम का प्रयोग इतने पूंजी के स्थान पर कर रहा है, इस श्रम का प्रयोग जो है पीबी श्रम का प्रयोग एपी जो है पूंजी के स्थान पर किया जा रहा है। किसके द्वारा? ये जो है उत्पादक के द्वारा। यही क्या है? यही जो है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है यहाँ पर। अब उस श्रम की और मात्रा का प्रयोग करना चाहता है, मान लीजिए क्यूसी मात्रा का प्रयोग करना चाहता है, एक्स्ट्रा अतिरिक्त क्यूसी अतिरिक्त करना चाहता है, तो इसके लिए जो है इसको क्या करना पड़ेगा, किसके स्थान पर प्रयोग करेगा वो जो है पूंजी की क्यूबी मात्रा के स्थान पर करना पड़ेगा। पूंजी की क्यूबी मात्रा के स्थान पर वो क्या करेगा, श्रम की क्यूसी अतिरिक्त मात्रा का प्रयोग करेगा। इसका मतलब है कि श्रम की क्यूसी मात्रा जो है वो पूंजी के पी क्यू मात्रा के क्या है, बी क्यू मात्रा के बराबर है, बी क्यू मात्रा के बराबर। इसीलिए जो है उत्पादक क्या करेगा, श्रम की क्यूसी मात्रा का प्रयोग किसके स्थान पर करेगा, पी बी के स्थान पर, पी क्यू सॉरी बी क्यू के स्थान पर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि श्रम की क्यूसी मात्रा पूंजी के बी क्यू मात्रा को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर दे रहा है। इसी को कहते हैं तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है, यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए, यहां पर इसकी अतिरिक्त और भी मान लीजिए मात्रा का प्रयोग करना चाहता है श्रम का, क्यू डी सॉरी आर डी, आर डी जो है श्रम की अतिरिक्त मात्रा का और प्रयोग करना चाहता है, वो किसके स्थान पर करेगा, वो पूंजी के सी आर मात्रा के स्थान पर करेगा, सी आर मात्रा के स्थान पर जो है। इसका मतलब क्या हुआ, आप क्लियर, आपको समझ में आ गया कि ये जो है आर डी श्रम के स्थान पर, आर डी श्रम का प्रयोग जो है सी आर पूंजी के स्थान पर किया जा रहा है उत्पादक के द्वारा, है ना। इसका मतलब है कि आर डी श्रम जो है सी आर पूंजी को क्या कर दे रहा है, प्रतिस्थापित कर दे रहा है। यही क्या है, यही सीमांत प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाता है। क्लियर हो गया, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, यही चीज है। एक साधन का अतिरिक्त प्रयोग दूसरे साधन के स्थान पर करना, एक साधन का दूसरे स्थान, दूसरे साधन के स्थान पर प्रयोग करना, यही तो प्रतिस्थापन है। एक साधन का प्रयोग दूसरे साधन के स्थान पर करना, यही क्या है, यही जो है प्रतिस्थापन है। अब तकनीकी प्रतिस्थापन सीमांत दर का मतलब यह हुआ कि एक साधन का जो प्रयोग हम कर रहे हैं दूसरे के स्थान पर, वह इस प्रकार होना चाहिए कि उत्पादन में परिवर्तन न हो, है ना। यहां आप किसी भी संयोग पर आप देखिए, उत्पादन परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हो गया, यही जो है आपका तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। अब यहां पर हम आपको एक सिद्धांत बताएंगे जिसको हम घटती हुई तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे सिद्धांत। तो हम बात करेंगे इसी संबंधित एक सिद्धांत बनता है जिसको हम बोल सकते हैं तकनीकी प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर का सिद्धांत। इसी से रिलेटेड एक सिद्धांत बनता है जिसको बोलते हैं तकनीकी प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर का सिद्धांत, अर्थात इसी में घटती हुई शब्द जुड़ गया। और इसी को आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि घटती हुई, इसी को शुरू में लिख सकते हैं घटती हुई तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, यानी घटती हुई MRTS, घटती हुई, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, घटती हुई MRTS का सिद्धांत। ठीक, क्लियर। अब इसका मतलब क्या हुआ, सामान्यतः यदि हम बात करें तो दो साधनों का जो प्रतिस्थापन होता है वह घटते हुए दर से होता है, यानी जो आपका दो साधनों के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर होती है
वो प्रायः क्या होती है, घटती हुई होती है। क्यों होती, क्योंकि एक्स साधन की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए उत्पादक को क्या करना पड़ता है, वाई साधन की कुछ मात्रा का क्या करना पड़ता है, उसको कम करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। और इसी प्रकार से उत्पादक एक्स साधन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई पाने के लिए आगे भी प्रत्येक अगली जो है आगे के क्रम में प्रत्येक इकाई अतिरिक्त प्राप्त करने के लिए जो वाई के जो है मात्रा का जो उसको घटाता है, कम करता है, उसका जो दर होता है, रेट होता है, वो घटता हुआ होता है। यानी घटते हुए दर से, वाई के घटते हुए दर से ही जो है क्या करता है, वो प्रतिस्थापित करता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं घटते हुए दर से प्रतिस्थापित करता है। जो प्रतिस्थापन की दर होती है वो किस प्रकार से होती है, घटती हुई होती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तकनीकी प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर, या घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर का सिद्धांत, इसी को कहते हैं। अब आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी आप पीछे आप देखिए, यहां पर चित्र से समझ लीजिए, फिर पीछे जो हमने सारणी बनाया वहां से भी समझा दे रहे हैं आप। यहां से आप देखिए, यहां पर जो प्रतिस्थापन हो रहा है, यहां पर देख रहे हैं, इसके स्थान पर यानी इसकी अतिरिक्त इकाई के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है, पूंजी को कम करना पड़ रहा है। इसकी अतिरिक्त इकाई के लिए पूंजी को कम करना पड़ रहा है, इसकी अतिरिक्त इकाई के लिए जो है पूंजी को कम करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक्स की यानी लेबर की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वाई की जो है या पूंजी की जो प्रतिस्थापन की दर है, घटने की जो दर है, जो प्रतिस्थापित हम कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, घटते हुए क्रम में हो रहा है। देखिए, इसीलिए हमने यहाँ पे बराबर बराबर किया है, ताकि हम बराबर अतिरिक्त मात्रा चाहते हैं, उत्पादक बराबर अतिरिक्त मात्रा चाहता है, जितना दूरी इसके बीच में उतना दूरी इसके बीच में, उतना दूरी इसके बीच में, यानी उतने ही बराबर अतिरिक्त इकाई के लिए उसको शुरू में इतना मात्रा तय करना पड़ता था एपी के बराबर, जो कि बहुत अधिक है, और उतने ही अतिरिक्त इकाई के लिए अगले कड़ी में देखिए तो उसको जो है इससे कम क्यू बी बी क्यू के बराबर जो है उसको छोड़ना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है, और उतने ही मात्रा क्रम के लिए आगे जो है पूंजी की सी आर के बराबर, मतलब पहले इतना कम किया, फिर उससे कम किया, फिर उससे कम किया, यानी जो आपका प्रतिस्थापन की जो दर है वो क्या हो रही है, घट रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से देख रहे हैं दिन पर दिन क्या हो रही है, घट रही है। तो इसमें घटने की प्रवृत्ति होती है ना, जो आपका प्रतिस्थापन किया आ रहा है, तकनीकी प्रतिस्थापन जो किया आ रहा है, इसके सीमांत दर में घटने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए इसको घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत कहा जाता है। अभी आप जो सारणी बनाए थे वहां पर देखिए, जब ए से बी पर हम आए थे, ए संयोग पर कुछ नहीं था, बी संयोग पर जब आया आप तो देखिए 3:1 का था, आप जो है सी संयोग पर आए तो आप देखिए 2:1 का था, आप बी संयोग पर आए तो 1:1, देखिए घटते हुए क्रम में हो रहा है ना, 3 से 2, 2 से 1, पहले 3 का परित्याग करना पड़ता था, 3 इकाई का परित्याग करना पड़ता था पूंजी का एक श्रम के लिए, अब यहाँ पे देखिए सी पर आते हैं तो केवल 2 का ही परित्याग करना पड़ रहा है ना, फिर उसके नीचे आ रहे हैं तो केवल 1 का ही परित्याग करना पड़ रहा है ना, तो क्या है ये, घटने की प्रवृत्ति है। तो ये सीमांत जो तकनीकी प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो क्या होती है, वो हर एक अगली इकाई के लिए क्या होती है, हर अगले संयोग के लिए वो क्या होती है, घटती हुई होती है, घट रही है, देख रहे हैं घटती हुई है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, तकनीकी प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर का सिद्धांत। क्लियर हुआ, ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे वहां पर आप पढ़े थे, मैं बात कर रहा था तटस्था वक्र विश्लेषण में है ना, आईसी, वहां पर आप एमआरएफ पढ़े थे, मैं बता रहा था आपको एमआरएफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीमांत प्रतिस्थापन दर, वहां पर भी क्या था, एक सिद्धांत वहां पर भी बना था जिसको क्या बोलते थे, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर बोलते थे, अर्थात वहां पर भी क्या था, तो एमआरएफ भी क्या होता है, ये भी घटता हुआ होता है, इसलिए इसको भी घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत यहां हम लोगों ने पढ़ा था। उसी तरीके से यहां पर जो है घटती हुई
तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर का सिद्धांत बनता है, जो कि दिखाता है कि ये जो प्रतिस्थापन होता है, प्रतिस्थापन की जो दर है वो क्या होती है, वो घटते हुए क्रम में होती है, इसलिए इसको घटती हुई MRPS का सिद्धांत कहते हैं। तो बस आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।